मोतीलाल बोरा जी, मोतीलाल तिवारी जी, मुकुल वासनिक जी, श्रीकांत जैन जी, भक्त चरण दास जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, प्रिय नेता जो थे, जिनको आप बहुत अच्छी तरह जानते थे, पहचानते थे, उनकी हत्या हुई 25 मई को जीवन घाटी में। नंद कुमार पटेल और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भगा दिया। बीजेपी के लोग आतंकवाद की बात करते हैं और कहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई होनी चाहिए। जितना डर आज छत्तीसगढ़ में है, जितनी हिंसा आज छत्तीसगढ़ में है, शायद किसी और प्रदेश में नहीं। कुछ दिन पहले मैं जम्मू कश्मीर से आया, अगर आप तुलना करें जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ के बीच में, यहां हिंसा ज्यादा है, यहां डर ज्यादा है। और हमें कहा जाता है कि भैया कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के सामने एक्शन नहीं लेती। हमारी पूरी लीडरशिप को मार दिया, हमारे जो नेता थे, जो जमीन से उतर आए थे, जो छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी लड़ाई लड़ रहे थे, वो मरे, उनके पुत्र की हत्या हुई। चुनौती पूरी लंबी लिस्ट है, उसके बारे में कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ सवाल नहीं करा। हर रोज यहां लोग बोलते हैं, जितने डिस्ट्रिक्ट माउंट से बैठे डिस्ट्रिक्ट यहां है और किसी का नहीं है। और बीजेपी हमें कहती है भाई यहां पर आतंकवाद के खिलाफ काम नहीं करते। ये बात आप मुझे समझाइए, बाकी प्रदेश में घूमते हैं, यहां एक शब्द नहीं कहेंगे हिंसा के बारे में, आतंकवाद के बारे में, विकास की बात करते हैं। जहां हिंसा होती है वहां विकास नहीं हो सकता है, जहां लोग बैठते हैं वहां विकास नहीं हो सकता है, फिर बात है। बाकी प्रदेश में जाते हैं कि भैया भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, यहां तो भ्रष्टाचार नहीं किया गया। क्या बोल रहे हो? वो पूरे समय जानते हैं किसने पैसा बनाया, किसने पैसा नहीं बनाया, कौन भ्रष्ट है, कौन भ्रष्ट नहीं है, सब जनता जानती है। जो बोले आए यहां वो किसी मंत्री का नहीं, भैया वो आपका है, आम आदमी का है, छत्तीसगढ़ की जनता का है। जो जमीन है यहां वो किसी मंत्री की नहीं है, किसी उद्योगपति की नहीं है, वो आपकी है,
आम आदमी की है, इनकी महिलाओं की है, युवाओं की है। बड़े बड़े भाषण होते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण होते हैं, मगर यहां इनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, यहां इनको विकास दिखाई देता है। यहाँ के भैया छत्तीसगढ़ में चमक आ रही है, छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ को आतंकवाद नहीं दिखता, यहाँ को भ्रष्टाचार नहीं दिखता, यहाँ को कोई लॉस नहीं दिखते, यहाँ को चोरी नहीं दिखती, यहाँ को जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं वो नहीं दिखता, और यहाँ जो युवा को रोजगार नहीं मिलता वो भी इनको नहीं दिखता। विकास की बात होती है, एक तरफ विकास, चुने हुए लोगों का विकास, अगर आप मंत्री हैं, अगर आप व्यक्ति हैं तो आपका पूरा विकास, अगर आप एक गरीब महिला है, अगर आप एक गरीब युवा है, अगर आप आदिवासी हैं, दलित हैं, छोड़ दीजिए विकास की बात, आपको सिर्फ भाषण मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जमीन अधिकार के बाद हमें बताई पार्लियामेंट में इतने लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, बहुत कानूनों ने रोकने की कोशिश की, लंबे लंबे भाषण दिए, कहते थे भैया इससे नुकसान होगा। जब कोई अमीर व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है, जब अमीर व्यक्ति से जमीन ली जाती है तो मार्केट रेट मिलता है, जब किसी गरीब व्यक्ति से जमीन खरीदी जाती है, छीन जाती है तो उसको कुछ वापस नहीं मिलता, कुछ करना पड़ता है। हमने इसको बदलने की कोशिश की, हमने कहा जो अगर किसी से भी जमीन ली जाएगी, अगर सरकार जमीन लेगी तो उसको सही पैसा मिलना चाहिए, और हमने कानून बदला तो आगे सिर्फ उसको नहीं जिसकी जमीन है, मगर अगर कोई मजदूर उस जमीन पर काम करता है तो उसको भी पैसा मिलना चाहिए, 4 करोड़ पैसा मिलना चाहिए। भोजन के अधिकार की बात की, हम चाहते हैं कि आम आदमी को शक्ति मिले, सरपंच को शक्ति मिले, आपको शक्ति मिले, महिलाओं को शक्ति मिले। हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब कि जो भी सवाल आप सरकार से पूछना चाहते हैं पूछिए। जो पहले बहुत कानून में बातचीत होती थी हम उसको बाहर ले आए, फायदा किसको हुआ आपको हुआ, रोजगार योजना से फायदा किसको हुआ आपको हुआ। जब भी हम गरीबों की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं तो ये हमसे सवाल पूछते हैं भैया पैसा कहां से आएगा। और जब किसी बड़े उद्योगपति की बात होती है, जब किसी से किसी की जमीन को छीनने की बात होती है, कोई छीनने की बात होती है तो फिर ये सवाल नहीं उठता, फिर कहते भैया नहीं किसी सरकार बढ़ा है उठा के ले लो। हमारे पास जिम्मेदार अपनी हम सड़क बनाना चाहते हैं, हम पुल बनाना चाहते हैं, हम एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं और इससे ज्यादा हम बनाएंगे, मगर हम आपकी इज्जत में रखना चाहते हैं, कमजोर लोगों की इज्जत रखना चाहते हैं, गरीब लोगों की इज्जत रखना चाहते हैं। यहाँ युवा खड़ा हुआ है, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारे मंत्री भ्रष्ट है। मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, यहाँ आपको रोजगार मिला पिछले 10 सालों में कुछ मिला? छत्तीसगढ़ के युवा बाकी प्रदेशों में दिखते हैं, चक्कर काटते हैं, मुंबई के चक्कर काटते हैं, बैंगलोर के चक्कर काटते हैं, क्या आपको हक नहीं है कि आपको यहां रोजगार मिले? दिया आपको सरकार ने रोजगार, दिया आपको विकास, दिया आपको भ्रष्टाचार, इनके नेता कभी कहते हैं आपसे भैया कि हमने छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट सरकार चलाई,
तुमने एक बार नीचे लिखा है जिसने ये बात आपके सामने रखी है? नहीं। बिल्कुल तो भाषण करते हैं, झूठ करते हैं, मगर जो नुकसान आपको पिछले 10 साल में हुआ उसके बारे में कुछ बात नहीं होती। अब आपके सामने चुनाव है, आप एक ऐसी सरकार बनाइए जो आम आदमी की सरकार हो, युवाओं की सरकार हो, ये जो हमारी बहन बेटी है इनकी सरकार हो, आपको शक्ति दे और आपका जो धन है वो आपको लौटाए, आपकी जो जमीन है, आपका जो जंगल है, आपका जो जंगल है उसका फायदा आपको मिले, ऐसी सरकार बनाइए। और मैं जानता हूं यहाँ चुनाव है, मैं जानता हूं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतने वाली, सबको मालूम है, बीजेपी वालों को मालूम है, कांग्रेस वालों को मालूम है, हमारे कार्यकर्ताओं को मालूम है। आप याद हो जाइए, आम आदमी की सरकार यहाँ आएगी, युवाओं की सरकार यहाँ आएगी, महिलाओं की सरकार यहाँ आएगी। आप सब दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं आपका धन्यवाद करता हूं राहुल जी कि आपने इस देश को सही तरह से समझा है, आपने नौजवानों की समस्या उनकी भविष्य बनाने का संकल्प किया है, आपने गरीब आदिवासी गरीब को समझा है, उनके बीच में गया है और अपना दिल से अपना विचार से उनको समझने का काम किया है, पूरे देश को आपने समझा है। आप में ये देश समाहित है कि आप इस देश की भविष्य का मार्गदर्शन करें और इस भविष्य को बनाने का काम करें ताकि एक मजबूत देश इस देश में खड़ा हो। आपकी संबोधन से, आपकी वक्तव्य से साफ होता है कि आपके अंदर आपके विचार में